पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उम्मीद एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए 43 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और पाकिस्तान के झंडे को फूंका गया। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आतंकवाद का पुतला फूंका गया, क्योंकि पाकिस्तान ही आतंकवादियों के साथ मिलकर ऐसी घिनौनी घटनाओं को अंजाम देता है। उम्मीद संस्था ऐसे घिनौनी हरकत की घोर निंदा करती है और आरोपियों के खिलाफ मांग करती है कि हम भारत सरकार से अपील करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन आतंकवादियों के सर कलम कर दिए जाएं। इस दौरान उम्मीद संस्था के सदस्यों में बेहद आक्रोश नजर आया। अंत में उन्होंने 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान संस्था की अध्यक्ष शिल्पी सैनी, संरक्षक ज्ञानेंद्र सैनी, सचिव सृष्टि अधिकारी, कोषाध्यक्ष आंचल सैनी, गौरव राज, नीरज सैनी, नवनीत शर्मा, अंजना भारद्वाज, रवि ठाकुर, शिल्पी सैनी, रेखा मदान, संदीप बंसल, पुष्पांजलि, बिंदु प्रजापति, रामराज, कुशाग्र सपड़ा, शिवानी प्रजापति आदि के साथ और भी सदस्य मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है वो बेहद शर्मनाक है और पुलवामा में जो 43 जवान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए आज हमने यहाँ पे प्रभु से कामना की है और जो जवान अभी घायल है वो जल्द ही स्वस्थ होकर अपने परिवार के बीच लौटे, ऐसा हम प्रभु से कामना करते हैं। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि सरकार की शक्ति को पाकिस्तान ने ललकारा है और सरकार को उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और उन आतंकियों के घर में घुस के उनकी लाशों को ढेर करना चाहिए। सरकार से हमारी ये मांग है। ये जो अभी कल इतनी कायराना हरकत जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई है, हम लोगों ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है जो वीर सपूत यहाँ पे शहीद हुए हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान और आतंकवाद ये दोनों लोग कहते हैं कि अलग अलग है, लेकिन हमारा मानना यह है कि ये दोनों ही एक हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को बहुत बढ़ावा देता है जिसके चलते ये कायराना हरकत हुई है और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वह जिस प्रकार पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसी की कड़ी में एक सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ ऐसी स्ट्राइक करी जाए कि पाकिस्तान को दिन में भी तारे नज़र आ जाएं और उसने जो ये कायराना हरकत करी है वो कभी भविष्य में सपने में भी ऐसी हरकत न सोच पाए।